नमस्कार फ्रंटियर आईएएस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रुति और आज हम करने जा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आज हम लोग शुरुआत करेंगे और वो है परफॉर्मिंग आर्ट्स में इंडियन म्यूजिक। और आज का ये वीडियो लेक्चर इसका पार्ट वन है। आज हम लोग जानेंगे इंडियन म्यूजिक के बारे में, उसकी एनाटॉमी के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे क्लासिकल म्यूजिक की और उसमें हम लोग जानेंगे हिंदुस्तानी म्यूजिक और उसकी अलग अलग शैलियों के बारे में। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और जानते हैं इंडियन म्यूजिक के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि इंडियन म्यूजिक को धरती पर किसने इंट्रोड्यूस किया, तो अगर माइथोलॉजिकल चीजों की अगर हम लोग बात करें तो ब्रह्मा जी से शुरुआत हुई। ब्रह्मा जी ने फिर धीरे धीरे उसको पास ऑन करके शिव जी के पास, विष्णु जी के पास, देन फिर सरस्वती माँ, फिर उन्होंने फिर नारद मुनि को दिया और नारद मुनि ने फिर अर्थ पर यानी कि धरती पर इंट्रोड्यूस किया। तो ऐसा माना जाता है कि म्यूजिक को यानी कि संगीत को वो दुनिया में लेके आने का जो क्रेडिट है वो आपके नारद मुनि को जाता है और वो इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया म्यूजिक को धरती पर। जो आपकी वैदिक लिटरेचर है वहां पर भी हमें कुछ कुछ जो ट्रेस मिलते हैं म्यूजिक से रिलेटेड, यानी वहां पर भी जिक्र आपको मिलता है संगीत का। अगर सामवेद के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो आपका कराहर प्रिया है, ये जो राग है इसके में जितने भी आपके राग के जो 7 नोट्स होते हैं ना वो आपको देखने को मिलते हैं। तो आप नोट्स के यानी स्वर के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो जो आपका 7 स्वर है वो आपको, जो कराहर प्रिया है वो आपको सामवेद में उसका जो एविडेंस है वो देखने को मिलता है, सामवेद में उसका जिक्र मिलता है। और म्यूजिकल थ्योरी का सबसे पहला रेफरेंस वो आपको कहाँ मिलता है, तो वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। तो एक तो वैदिक लिटरेचर में आपको उसका ट्रेस मिलता है, इसके अलावा जो सबसे पहला म्यूजिकल थ्योरी है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में आपको मिलता है। और संगम जो है वो पहले तरह का म्यूजिक है, सबसे अपने अपने आप में सबसे पहले तरीके का संगीत है जो कि लेटर वैदिक पीरियड में जिसका डेवलपमेंट हुआ है। और अगर हम लोग सारंग देव के बारे में बात करें तो वो 13th century यानी कि 13वीं शताब्दी के म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने क्लासिकल टेस्ट लिखा, किसके ऊपर, तो म्यूजिक के ऊपर। तो ये कुछ कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। और जो इंडियन म्यूजिक स्टाइल है यानी कि जो भारतीय संगीत शैली है उसमें पर्शियन और इस्लामिक एलिमेंट, इसके इंट्रोडक्शन के साथ हमारा जो भारतीय संगीत शैली है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है। जैसे आप टेंपल आर्किटेक्चर वगैरह मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे भी जैसे जैसे हमारे इंडिया में दूसरे जगह से लोग जैसे मुगल्स वगैरह आए थे, इस्लामिक इफेक्ट, आपके फॉरेन रूलर्स के इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार हमारे भारतीय म्यूजिक शैली में भी, म्यूजिक स्टाइल में भी आपको देखने को मिलेगा कि जो पर्शियन और इस्लामिक एलिमेंट्स के इंट्रोडक्शन से हमारा जो भारतीय संगीत शैली है उसमें आपको बदलाव देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं इंडियन म्यूजिक के एनाटॉमी के बारे में। तो 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर जिसके ऊपर हमारा इंडियन म्यूजिक यानी कि हमारा भारतीय संगीत जो स्टैंड करता है, जो 3 चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए भारतीय म्यूजिक के बारे में, वो है आपका ताल, राग और स्वर। ये 3 पिलर्स हैं जिसे जिस पे हमारा जो भारतीय म्यूजिक है वो आपका टिका हुआ है। अब स्वर क्या होता है, ताल क्या होता है, राग क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो स्वर ये क्या डिनोट करता है, तो ये एक म्यूजिकल कॉम्पोजिशन का नोट जो होता है ना उसको डिनोट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो जिक्र है वो हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। और स्वर को 22 आपके नोट्स में डिवाइड किया गया है। और अगर हम लोग हिंदुस्तानी म्यूजिक की बात करें तो आपके बेसिकली 7 स्वर होते हैं, 7 प्रोमिनेंट स्वर होते हैं, ऑल्दो 12 होते हैं पर जो 7 प्रोमिनेंट स्वर है वो है आपका सा रे गा मा पा ध नी सा। इन स्वरों के बारे में आपने सुना होगा। ये जो सा रे गा मा पा ध नी सा है ये आपके मतलब एब्रीवेटेड फॉर्म है यानी संक्षिप्त रूप है किसके, तो जैसे सा का पूरा मतलब होता है सज्जा, फिर आपका रे का मतलब होता है ऋषभ, जीए का मतलब गंधर्व, फिर एमए का मतलब मध्यम, पा का मतलब होता है पंचन, फिर आपका धा का मतलब धैत्व और नी का मतलब होता है निषाद। और ये जो सारे गामा पधा निसा है इसे हम लोग सप्तक भी कहते हैं। आप देख रहे हैं बाद में एक और सर, तो ये एक नए साइकिल के आरंभ को दिखाता है। तो ये बेसिकली ये जो सारे गामा पधा नी है ये जो है ये आपके सप्तक है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं राग की। तो राग का सबसे मतलब पहले आप ये समझिए कि राग जो है वो आपकी संस्कृत शब्द रंज से आया है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत के शब्द रंज से हुई है जिसका मतलब होता है किसी को संतुष्ट करना या फिर किसी इंसान को या किसी को भी खुश करना।
और जितने भी आपके मेलेडी होती है या जो मधुरता आती है वो आपको मतलब एक म्यूजिक जो बजता है उसमें आपको मेलेडी देखने को मिलती है, आपको उसे सुनकर बहुत अच्छा फील आता है, तो वो जो मेलेडी होती है ना वो इन्हीं राग पर बेस्ड होती है, जबकि जो उसका रिदम होता है किसी भी म्यूजिक का वो बेस्ड होता है उसके ताल के ऊपर। जो राग होता है ना वो राग सिर्फ एक स्केल नहीं है, सिर्फ एक पैमाना नहीं है, बल्कि यह आपका एक सबटल प्रिसाइज साइंटिफिक और एस्थेटिक मेलेडिक फॉर्म होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मूवमेंट का। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्रम में या किसी एक ही पैटर्न पे चीजें हैं, ये एक बहुत ही सबटल, बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही साइंटिफिक एस्थेटिक मेलेडिक फॉर्म होता है आपके मूवमेंट्स के असेंडिंग और डिसेंडिंग मूवमेंट्स का। और जितने भी राग होते हैं अगर हम लोग सिंप्लीफाइड शब्दों में बात करें तो राग बेसिकली आपके स्वर का कलेक्शन होता है, ठीक है। और आपके जो मतलब जितने भी राग होते हैं उसमें मिनिमम आपके 5 नोट यानी कि मिनिमम आपके 5 स्वर होने जरूरी हैं। और जो ये 5 बेसिक नोट होते हैं, मैंने आपको बताया कि पहले तो राग अगर हम लोग बेसिक शब्दों में बात करें तो ये आपके स्वर का कलेक्शन होता है, और एक मिनिमम एक राग को होने के लिए उसमें 5 स्वर 5 नोट का होना जरूरी है। अब इस 5 नोट में भी जैसे अगर आपके 5 टीम में है कोई लोग का अगर टीम है तो उस 5 टीम में एक आपका सबसे प्रोमिनेंट प्लेयर होगा, उसके बाद उससे प्रोमिनेंट, फिर बाकी सारे प्लेयर्स, फिर अगर आपके पास और भी ज्यादा एक्स्ट्रा प्लेयर्स है तो आप उसको नहीं बिठाते। तो उसी तरह राग में भी ये जो 5 आपके जो प्रोमिनेंट होते हैं तो जो सबसे प्रोमिनेंट वाला होता है, 5 अगर आपके पास प्लेयर है 1 2 3 4 5, तो अगर मान लेते ये हमारा जो सबसे प्रोमिनेंट वाला है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वादी स्वर, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो अगर हम लोग इसको कैप्टन कहें तो कैप्टन के बाद जो आपका वाइस कैप्टन होता है उसे हम लोग कहते हैं संवादी। फिर आपके जो रिमेनिंग प्लेयर्स होते हैं ना इसे हम लोग कहते हैं अनुवादी। और जैसे कि हम लोग ने सप्तक देखा तो 7 स्वर है, तो जिनको हम लोग इस स्वर में शामिल नहीं करते उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं विवादी, ठीक है। अब देखिए ये मैंने आपको बेसिकली बताया कि राग में 5 नोट होते हैं, मिनिमम 5 नोट तो आपके होने ही चाहिए, इसके अलावा आपके 5 नोट हो सकते हैं, 6 नोट हो सकते हैं और 7 नोट हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितने स्वर हैं एक राग में, राग को 3 प्रकार से क्लासिफाई भी किया जा सकता है। एक होता है आपका ओडव राग, ओडव राग एक ऐसा राग है जिसमें कि आपको 5 स्वर होते हैं। फिर आपका षडव राग, ये एक ऐसा राग है जिसमें कि आपको 6 स्वर देखने को मिलते हैं। उसी तरह आपका संपूर्ण राग जो है उसमें आपको 7 स्वर देखने को मिलते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं संपूर्ण राग, ठीक है। मैं उम्मीद करती हुई जो बातें मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गई होंगी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने जति के आधार पर आपको बता दिया कि कितने आपके स्वर है, उसके आधार पर आपके राग 3 प्रकार के हो गए। अब एक और तरीके का भेद है और हम लोग उसके हिसाब से जो राग है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है छायालग राग, दूसरा होता है संकीर्ण राग और तीसरा होता है शुद्ध राग। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो जति के हिसाब से क्लासिफिकेशन था कि जति यानी कि कितने नोट्स होते हैं उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन था, और ये एक दूसरा क्लासिफिकेशन है राग का, छायालग राग, संकीर्ण राग और शुद्ध राग में। अब आपके जो स्वर होते हैं ना वो आपकी एसेंट या डिसेंट हो सकते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में भी कि जो आगे आने वाले स्वर है उनका जो नोट होगा वो पीछे वाले से ज्यादा होगा। अगर हर एक ऐसे लाइक 1 2 3 4 5 अगर जैसे भी है, तो अगर इसकी जो वैल्यू है इस वाले से ज्यादा है, इसकी वैल्यू इस वाले से ज्यादा है, इसकी वैल्यू इसकी है, यानी हर एक जो आगे वाली नोट है उसकी वैल्यू पीछे वाले से ज्यादा है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर या एसेंट। वही अगर हर एक आगे वाले की जो वैल्यू है वो पीछे वाले से कम होगी तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, डिसेंट। तो आपका एसेंट हो रहा है तो उसे हम लोग आरोह कहते हैं, और अगर डिसेंट हो रहा है यानी कि हर एक आगे वाले नोट की जो वैल्यू है वो पीछे वाले से कम होती है तो उसे हम लोग डिसेंट कहते हैं या फिर अवरोह कहते हैं। तो असेंट और डिसेंट के आधार पर जो आपके सारे गावा पधा निसा है वो राग को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। तो अगर आपका बहुत ही स्लो स्पीड है तो हम लोग उसे विलंबित कहते हैं। अगर आपकी स्पीड जो है वो आपकी बीच में है, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं, तो उसे हम लोग मध्या कहते हैं। और अगर बहुत तेजी है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुत कहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द स्पीड हम लोग ये 3 क्लासिफिकेशन करते हैं नोट्स का।
अब यू तो जो मेन राग की अगर हम लोग बात करें तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में आपको 6 राग बहुत ही प्रोमिनेंट है और हर एक राग एक इमोशन इवोक करता है, यानी हर एक राग से अगर हम लोग एक पर्टिकुलर राग सुनते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर तरह की फीलिंग हमारे मन में आने लगती है। जैसे अगर आप भैरव राग सुनेंगे तो आपको मॉर्निंग का या डाउन का समय कुछ कैरेक्टराइज करता है, दीपक से ग्रीष्म में और दीप वाली फीलिंग आती है, मेघ में बारिश जैसा कुछ, ठीक है, ब्रेवरी, ये सारी चीज़ों को डिपेक्ट। तो हर एक जो राग है ना वो एक पर्टिकुलर इमोशन, एक पर्टिकुलर सीजन से रिलेटेड होता है, एक पर्टिकुलर टाइम से रिलेटेड होता है, ठीक है। और जो 6 बहुत ही प्रोमिनेंट राग हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक के, वो है राग भैरव, राग हिंडोल, राग दीपक, राग मेघ, राग श्री और राग मलकन, ठीक है। तो ये आपके 6 प्रोमिनेंट राग हैं जो कि हिंदुस्तानी संगीत में देखे जाते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो राग है ना, जब भी आप किसी भी राग को सुनेंगे तो उसके हिसाब से जो आपके ऑडियंस होगी, जो उस राग को सुन रही होगी या जो परफॉर्मर जो उस राग को खुद गा रहा होगा, उसके अंदर एक पर्टिकुलर तरह का इमोशनल रिस्पॉन्स डेवलप करता है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर तरह का राग गा रहे हैं तो उसके हिसाब से आपके अंदर इमोशंस जो है वो आपकी डेवलप होने लगेंगी, और ये जो इमोशंस डेवलप होता है ना, इस इमोशन को हम लोग कहते हैं रस, ठीक है। राग क्या है, तो ये आपके नोट का कलेक्शन है, ठीक है। 6 प्रोमिनेंट राग है और हर एक राग एक इमोशन को डेवलप करता है, और जो इमोशन डेवलप होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग रस कहते हैं। अब शुरू में क्या था, तो शुरू में सिर्फ और सिर्फ 8 रस था, बाद में एक और रस को ऐड कर दिया गया और टोटल रस हमारा कितना हो गया, 9, और 9 रस को ही हम लोग क्या कहते हैं, 9 रस। अब ये 9 रस है क्या, आपका हाश, श्रृंगार, रुद्र, करुणा, भयंकर, वीर, अद्भुत, शांत, विभस, सबका अपना मतलब है। जैसे हंसी आपके हंसी को दिखाता है, ह्यूमर को रिप्रेजेंट करता है, श्रृंगार प्रेम को दिखाता है, रुद्र जो है वो गुस्से का प्रतीक है, करुणा किसी के प्रति सिंपैथी को दिखाता है, भयानक डरावनी चीज, डरावना इमोशन है, फिर वीर जो है वो आपका बहुत ही करेज वाली फीलिंग को बताता है, अद्भुत अगर आप किसी चीज को आश्चर्य में पड़ गए तो वो अद्भुत रस है, फिर शांत अगर आपका मन बिल्कुल शांत है, कुछ भी नहीं चल रहा, वेरी बहुत शांत है तो शांत, विभस्त यानी किसी चीज से घृणा वाली फीलिंग, ठीक है। तो ये आपके 9 रस हैं। अब हम लोग बात करते हैं आलाप की। सो आलाप जो होता है, मैंने आपको बताया संवादी, वादी और दूसरे एलिमेंट, तो वादी जो होता है वो आपका सबसे प्रोमिनेंट होता है, 5 जो आपके नोट होते हैं ना राग के, उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट राग होता है, प्रोमिनेंट जो आपका नोट होता है, स्वर होता है, उसको हम लोग वादी कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड प्रोमिनेंट होता है उसे संवादी, उसको छोड़ करके बाकी जितने भी आपके स्वर होते हैं उसे हम लोग कहते हैं अनुवादी, और जो हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं उसे हम लोग कहते हैं विवादी। तो जो वादी, संवादी और जो दूसरे एलिमेंट होते हैं राग के, वो सब जब मिल करके हम लोग स्लो टेम्पो में उसे प्रेजेंट करते हैं तो वो आपका अलाप कहलाता है। और अलाप हमेशा परफॉर्मेंस के समय में, जो आपका राग के सबसे शुरुआत में इसको गाया जाता है अलाप को, ठीक है, और जनरली जो आकार है उसके साथ इसको शुरू किया जाता है। तो ये अलाप के बारे में हम लोगों ने बात की। अब हम लोग बात करते हैं अलंकार की। तो अलंकार क्या होता है, तो अलंकार का मतलब ऑर्नामेंटेशन या जो चीजें हैं, तो बेसिकली ऑर्नामेंटेशन का या ऑर्नामेंट का क्या काम होता है, तो ये खूबसूरती ऐड करने का काम करता है। उसी प्रकार जो अलंकार है वो भी संगीत की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करता है, कि ये किसी भी म्यूजिकल पीस का फाइनल कॉम्पोजिशन होता है, और इसमें आपको 3 नोट सक्सेशन में देखने को मिलते हैं। अलंकार के कुछ प्रमुख उदाहरण हो गए मीन, खटका, मुरखी, ये सारे के सारे अलंकार के उदाहरण हैं। थाट की अगर हम लोग बात करें तो थाट जो है एक सिस्टम है, क्या किस चीज का सिस्टम है, तो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है राग का। राग को आखिर हम लोग कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं इन सारी चीजों के। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग 10 थाट का सिस्टम, 10 थाट क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है उसको फॉलो करते हैं, और ये जब भी ये जो थाट है ना, इसे हम लोग आरोह में ही गा सकते हैं। आरोह यानी कि हमेशा बढ़ते हुए क्रम में, यानी हर एक जो आगे आने वाला स्वर है वो आपके पीछे वाले से उसका जो नोट होगा वो हाई होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली किसके किसके बारे में, तो हम लोगों ने बात की स्वर के बारे में, हम लोगों ने बात की राग के बारे में, और अब हम लोग बात करेंगे तीसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर की जो है इंडियन म्यूजिक का, और वो है आपका ताल। ताल क्या होता है, तो ये आपके बीट्स का ग्रुप होता है, ठीक है, इन रिदमिक मैनर, जिसे हम लोग ताल कहते हैं। जिस प्रकार आपका राग बहुत सारे स्वर का कॉम्बिनेशन होता है तो उसे हम लोग राग कहते हैं,
उसी प्रकार आपका जो ताल होता है वो आपके बीट्स का ग्रुपिंग होता है इन अ रिदमिक मैनर, और हर एक बिट हर एक धुन के बीच का जो समय होता है वो आपका बराबर होता है, और वो जो समय होता है उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं, लय कहते हैं। और अगर ये जो समय है जो दो बीट के बीच में होता है ये अगर कम रहेगा इसका मतलब आपका फास्ट टेम्पो है, अगर ये इसके बीच का जो गैप है अगर वो ज्यादा रहेगा इसका मतलब वो आपका स्लो टेम्पो है। ऐसा माना जाता है कि आपके कुल मिलाकर के 10 से मतलब 100 से भी अधिक आपके ताल होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 ताल जो है वो आपके वेल नोन है। उसमें भी कुछ जो ताल है जिनको कि बहुत ही प्रोमिनेंटली इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एक ताल, दादरा, झप ताल, रूपक, आधा चौताल, तीन ताल, ये सारे के सारे आपके थोड़े कॉमन ताल हैं। और इसमें से भी जो सबसे फेमस ताल जिसका सबसे ज़्यादा म्यूजिक कंपोजर इस्तेमाल करते हैं वो है आपका तीन ताल। इसमें आपके कितने बीट्स होते हैं, तो इसमें कुल मिलाकर आपके 16 धुन होते हैं, 16 बीट होते हैं। अगर हम लोग कर्नाटक म्यूजिक की बात करें तो कर्नाटक शैली में जैसे आपकी दो, मैं आपको बताऊंगी कि क्लासिकल जो इंडियन म्यूजिक है उसमें आपका दो तरह के स्टाइल होते हैं, एक तो आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक, दूसरा आपका कर्नाटक म्यूजिक। तो कर्नाटक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक दोनों में ही ताल पद्धति जो होती है वो आपकी अलग अलग होती है। तो कर्नाटक म्यूजिक में जो ताल होते हैं वो बेसिकली तीन चीजों से मिलके बने होते हैं, किससे किससे, तो ध्रुतम, लघु एंड अनुध्रुतम, ये तीन हैं जिससे मिलकर के ताल आपके कर्नाटक म्यूजिक में वो आपका बना होता है। ये हम लोगों ने बात कर ली तीन पिलर्स की, एनाटॉमी ऑफ इंडियन म्यूजिक के बारे में हम लोग बात कर ली। अब हम लोग चलते हैं इंडियन म्यूजिक के क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो जिस प्रकार हम लोग को इंडिया में आपके हर चीज़ों की वैरायटी देखने को मिलती है, उसी प्रकार इंडिया में आपको क्या कह सकते हैं, म्यूजिक की भी वैरायटी देखने को मिलती है। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप के म्यूजिक को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं है, कि मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप का म्यूजिक ही यहाँ पे प्रिविलेंट है, यहाँ पे आपके बहुत अलग अलग कैटेगरीज के म्यूजिक आपको देखने को मिलेंगे। कुछ आपके म्यूजिक जो है वो क्लासिकल है, शास्त्रों पर आधारित है, सर्टेन नियम्स है, तो वही आपके कुछ इंडियन म्यूजिक जो है वो आपके ग्लोबल म्यूजिक से रिलेट करते हैं, जो कि विश्वभर में जिस म्यूजिक को चर्चा में है या फिर जो म्यूजिक पूरे विश्व के लोग जो है वो यूज कर रहे हैं या जो सुन रहे हैं उस तरह के म्यूजिक से रिलेटेड है। अभी हाल का क्या ट्रेंड देखने को मिला है, तो हाल में ये देखने को मिला है कि क्लासिकल और जो कुछ म्यूजिकल स्टैंड है जैसे जैज, पॉप, इन सभी का फ्यूजन करने को मिला है, और फ्यूजन क्रिएट करके एक नया स्टाइल डेवलप करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, एक बेसिक अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि इंडियन म्यूजिक को हम लोग चार बेसिक फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका क्लासिकल म्यूजिक यानी कि शास्त्रीय संगीत, दूसरा हो गया आपका फोक म्यूजिक यानी लोकगीत, फिर आपका क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक इन दोनों का फ्यूजन, फिर आपका हो गया मॉडर्न म्यूजिक। तो क्लासिकल म्यूजिक के अंतर्गत दो तरह का स्टाइल आपको देखने को मिलता है, एक है आपकी हिंदुस्तानी शैली और दूसरी आपकी कर्नाटक शैली। अगर हम लोग क्लासिकल और फोक म्यूजिक इन दोनों के फ्यूजन की बात करें तब चार तरह के आपके म्यूजिक स्टाइल आपको देखने को मिलते हैं, एक है आपका सुगम संगीत, रविंद्र संगीत, हवेली संगीत और गाना संगीत। तो ये चार अलग अलग आपके मतलब स्टाइल हैं जो कि क्लासिकल और फोक म्यूजिक के फ्यूजन के तौर पर आपको देखने को मिलता है। मॉडर्न म्यूजिक में अगर हम लोग बात करें तो रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, ब्लू म्यूजिक, ट्रांस म्यूजिक, जैज म्यूजिक, साइडिक म्यूजिक, ये अलग अलग प्रकार हैं मॉडर्न म्यूजिक के। हम इन सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्लासिकल म्यूजिक में, और उसमें भी हम लोग बात करेंगे हिंदुस्तानी स्टाइल और उसकी अलग अलग शैलियों के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्लासिकल म्यूजिक के बारे में। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि क्लासिकल म्यूजिक जो है वो आपकी दो प्रकार की हैं, दो शैलियाँ हैं, दो घराने हैं आपके शास्त्रीय संगीत के, एक आपका हिंदुस्तानी है, दूसरा आपका कर्नाटक है। तो क्लासिकल म्यूजिक याद रखिएगा कि जिस तरह से क्लासिकल डांस शास्त्रों पर आधारित होते हैं, उसी प्रकार क्लासिकल म्यूजिक जो है वो भी आपके शास्त्र होते हैं, उनके नियम होते हैं जिसको कि आपको पालन करना होगा तभी, और इसको सीखने के लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, इसके रूल्स है जिसको कि हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। और क्लासिकल म्यूजिक दो प्रकार के, हिंदुस्तानी एंड कर्नाटक। तो ये जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है ये आपके नॉर्थ इंडिया में बहुत प्रचलित है, वही आपका जो कर्नाटक म्यूजिक है ये आपके साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है,
although ये दोनों जो आपका हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूजिक है ये दोनों के दोनों ही आपका डेवलप हुए हैं नाट्य शास्त्र से, लेकिन 14th सेंचुरी में जाकर ये डाइवर्ट, यानी दोनों के दोनों नाट्य शास्त्र से ही आरंभ हुआ लेकिन 14th सेंचुरी में जाने के बाद दोनों अलग अलग हो गए। जैसे एक ही परिवार के लोग हैं बट बेटे हैं पर वो दोनों आगे चल के अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ये आपका नाट्य शास्त्र में दोनों सेम थे, यहाँ जाकर ये कर्नाटिक म्यूजिक हो गया और ये आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो आज हम लोग बात करेंगे हिंदुस्तानी म्यूजिक, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सो हिंदुस्तानी म्यूजिक, तो मैंने आपको बताया कि 14th सेंचुरी में उनका डाइवर्जेंस हो गया, तो 14th सेंचुरी में डाइवर्ज करने के बाद हिंदुस्तानी म्यूजिक में आपको देखने को मिलता है कि ज्यादातर फोकस जो है वो म्यूजिक के स्ट्रक्चर और इम्प्रोवाइजेशन पे किया जाता है। अब म्यूजिक के स्ट्रक्चर का किस तरह से आपकी संगीत की संरचना होनी चाहिए, इम्प्रोवाइजेशन की क्या गुंजाइश है। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ें ऑलरेडी है उसमें से कुछ नया क्रिएट करना, ये स्पॉन्टेनियस कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं हो। तो इसी पे हिंदुस्तानी म्यूजिक का फोकस रहता है, म्यूजिक के स्ट्रक्चर और इम्प्रोवाइजेशन पे। जो स्केल अडॉप्ट किया गया है हिंदुस्तानी म्यूजिक के द्वारा वो है आपका शुद्ध स्वर सप्तक, और इसे हम लोग अगर इंग्लिश में बात करें तो इसका मतलब होता है ऑक्टेव ऑफ नेचुरल नोट्स, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया एक बेसिक आइडिया आपको हिंदुस्तानी म्यूजिक में, और हिंदुस्तानी म्यूजिक में भी 10 अलग अलग तरह की शैलियां जो है वो प्रैक्टिस की जाती है, और इन सभी जो इम्पोर्टेंट शैली है इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और वो पहले जानते हैं कि वो जो 10 प्रोमिनेंट शैली है हिंदुस्तानी म्यूजिक की वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहला शैली है वो है ध्रुपद, होरी धमर, फिर आपका चतुरंग, थप्पा, ख्याल, तराना, राग सागर, ठुमरी और सरगम। तो ये आपके 10 बहुत ही प्रोमिनेंट स्टाइल है हिंदुस्तानी म्यूजिक के। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ध्रुपद की। तो ध्रुपद जो है वो आपका सबसे पुराना और सबसे भव्य फॉर्म है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का, यानी अगर इन 10 में बात की जाए तो सबसे प्रोमिनेंट, सबसे बेहतरीन किसको माना गया है, तो ध्रुपद को माना गया है। अगर लिटरल मीनिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो मेन एम्फेसिस है, ये जो जोर है वो किसके ऊपर देता है, तो सिंगिंग की स्टाइल के ऊपर और जो आपके छंद होते हैं ना उस पर इस शैली का जोर रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ध्रुपद अब इस जो स्टाइल है इस अपने पीक पर कब पहुंचा। हर एक चीज़ का एक टाइम होता है जब वो अपने सबसे बेहतर वाले स्टेज पे होता है। तो ध्रुपद स्टाइल का आपको पीक जो है वो आपको अकबर के शासनकाल के दौरान देखने को मिलता है, और अकबर के समय में आप देखेंगे कि अकबर जो है उन्होंने इस स्टाइल के, ध्रुपद स्टाइल के जो मास्टर्स थे या जो ध्रुपद स्टाइल में जिन्होंने महारत हासिल की थी उसको अकबर ने संरक्षण दिया, जैसे कि आपके स्वामी हरिदास हो गए, बाबा गोपाल दास, तानसेन, आप जानते हैं कि अकबर की 9 रत्नों में शामिल थे, ये सारे के सारे ध्रुपद के प्रैक्टिस करते थे, ध्रुपद मास्टरों थे, तो इन सभी को अकबर का संरक्षण प्राप्त था। इनफैक्ट माना जाता है कि जो बैजू बाबरा है वो भी आपके अकबर के टाइम में ही वो गाया करते थे, उनके दरबार में गाया करते थे। 18th सेंचुरी में हमें इस सिंगिंग स्टाइल का डिक्लाइन देखने को मिलता है, यानी कि 18th सेंचुरी के बाद ये जो स्टाइल है ये उतना लोकप्रिय नहीं रह जाता। हर चीज़ जो एक अपने पीक पे पहुंचे तो एक टाइम के बाद फिर उसका डिक्लाइन देखने को मिलता है बहुत बार। तो उसी तरह से ध्रुपद शैली का डिक्लाइन आपको 18th सेंचुरी में देखने को मिलता है, और पीक देखने को मिलता है अकबर के रिश में, अकबर के शासनकाल में। ध्रुपद बेसिकली एक आपका पोएटिक फॉर्म होता है, यानी कि एक पोएम के फॉर्म में होता है विद एक्सटेंडेड रागास, और इसमें संस्कृत के सिलेबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और यूजुअली जो परफॉर्मेंस दी जाती है तो आपके 2 मेल वोकलिस्ट के द्वारा दी जाती है एक समय में, मतलब ये अकेले परफॉर्म नहीं करते, यूजुअली 2 आपके जो पुरुष गायक होते हैं वो मिल करके ध्रुपद की परफॉर्मेंस देते हैं। और जो ध्रुपद है फर्दर उसको वाणी या फिर वाणी के आधार पर, किस वाणी में वो परफॉर्म करते हैं उसके आधार पर ध्रुपद को 4 अलग अलग फॉर्म्स में, 4 अलग अलग फॉर्म्स में बांटा गया है, 4 अलग अलग घरानों में बांटा गया है। तो पहला आपका कौन सा घराना है, तो जो पहला घराना है उसे हम लोग कहते हैं डागरी घराना, जो दूसरा है उसे हम लोग कहते हैं दरभंगा घराना, तीसरा है आपका बेतिया घराना, और चौथा है आपका तलवंडी घराना। ये 4 प्रमुख घराने हैं किसके, तो ध्रुपद के, ठीक है। और ध्रुपद में ये जो डागरी घराना है इसकी खासियत यह है कि जनरली जो डागर्स इसको परफॉर्म करते हैं वो मुस्लिम होते हैं, और वो जो गॉड और गॉडेसेस के हिंदू टेक्स्ट को गाते हैं वो, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ किया है घराना, ये आपको जब भी संगीत की बात करूंगी, कई बार आपको कथक में जब मैंने बात की थी तो वहाँ पे भी घराना का जिक्र हुआ था। आखिर घराना का मतलब होता क्या है,
तो घराना एक ग्रुप होता है किसका, डांसर्स या फिर म्यूजिशियंस का, हु आर लिंक्ड बाई अप्रेंटिसशिप और लीनेज। ठीक है, तो घराना एक ऐसे डांसर्स या म्यूजिशियंस का ग्रुप होता है जो या तो एक दूसरे के साथ वंश से जुड़े होते हैं या फिर शागिर्दी से यानी कि अप्रेंटिसशिप से जुड़े होते हैं। इसका मतलब कैसे हम लोग समझे, तो जैसे घराना है तो ये आपकी उर्दू के शब्द घर से बना है, घर का मतलब होता है मतलब फैमिली। ठीक है, तो जहां से भी जो होते सेम म्यूजिकल आइडियोलॉजी जो है जहां से ओरिजिनेट करती है, एक ऐसा जगह एक ऐसा प्लेस जहां से एक ही तरह की म्यूजिक आइडियोलॉजी जो है वो डेवलप करती है, उसे हम लोग घराना कहते हैं। तो ये हम लोगों ने बात कर ली, घराना का जिक्र जहाँ कहीं पे भी हो तो आप ये समझ जाएगा कि एक डांसर्स या म्यूजिशियंस का ग्रुप है जो एक ही तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं और वो एक ही तरह की शैली को, वहाँ से उनके म्यूजिकल आइडियोलॉजी जो होती है वो सिमिलर होती है। ध्रुपद के बाद अब हम लोग बात करते हैं ख्याल की। तो ख्याल ये भी एक शैली है हिंदुस्तानी म्यूजिक का। तो ख्याल का सबसे पहले ये जो नाम है ये आपको ओरिजिनेट हुआ है पर्शिया से और इसका मतलब होता है इमेजिनेशन यानी कि कुछ कल्पना करना, आइडिया यानी विचार। ठीक है, और इस शैली का जो ख्याल शैली है इसकी ओरिजिन के पीछे किनका हाथ है, तो आमिर खुसरो का हाथ था। ठीक है, और इसके आर्टिस्ट के पास ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है इम्प्रोवाइजेशन की, ये अपने हिसाब से चीजों को स्पॉन्टेनियसली या चीजों को क्रिएट कर सकने में ये आर्टिस्ट ज्यादा सक्षम होते हैं। जो ख्याल शैली है ये इन्हें ज्यादा पॉसिबिलिटीज देती है इम्प्रोवाइजेशन का। ये एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ख्याल शैली का, आपको पता होना चाहिए कि इसके आर्टिस्ट को इम्प्रोवाइजेशन की ज्यादा पॉसिबिलिटी इन्हें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, अगर 15th सेंचुरी में अगर हम लोग बात करें तो 15th सेंचुरी में इसे संरक्षण प्रदान किया, इसे पैट्रोनाइज किया किन्होंने, तो सुल्तान मोहम्मद शर्गी ने। और इसका सबसे प्रोमिनेंट फीचर है कि इसमें तान का इस्तेमाल किया जाता है म्यूजिक को कंपोज करने के लिए। इसमें ध्रुपद में जिस प्रकार अलाप को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, लेकिन आपकी इस शैली में ध्रुपद में जिस तरह से अलाप को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है उतना अलाप को इंपॉर्टेंस आपकी इस शैली यानी ख्याल में देखने को नहीं मिलता। ख्याल अब आपका दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आपका बड़ा ख्याल और दूसरा होता है आपका छोटा ख्याल। ठीक है, तो जो आपका बड़ा ख्याल होता है वो आपका उसका टेम्पो काफी स्लो होता है, जबकि जो छोटा ख्याल होता है उसका टेम्पो काफी फास्ट होता है। इस सॉन्ग की अगर हम लोग थीम की बात करें कि जो भी ख्याल शैली में जो भी गीत गाए जाते हैं वो आपके बहुत ही रोमांटिक होते हैं, नो मैटर वो भगवान के लिए गाए गए हो, राजा के प्रेज में गाएंगे, बट उनका जो थीम होता है वो आपका मोस्टली रोमांटिक होता है और लॉर्ड कृष्णा को जनरली प्रेज करने के लिए, उनकी सराहना करने के लिए इसको कंपोज किया जाता है। और इसके अंदर जो प्रमुख घराने आपको देखने को मिलते हैं वो है आपका ग्वालियर घराना, किरण घराना, आगरा घराना और पटियाला घराना। ये कुछ प्रमुख घराने हैं किसके, तो ख्याल शैली के। ठीक है, एक और घराना है वो है आपका बिंदी बाजार घराना। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दूसरी शैली की बात की। अब हम लोग बात करेंगे तीसरी शैली की जो है आपकी ठुमरी। ठुमरी के बारे में क्या है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एक सेमी क्लासिकल इंडियन म्यूजिक है जो कि मिक्स्ड राग यानी अलग अलग रागों के मिश्रण से जो बना होता है। ठीक है, तो एक सेमी क्लासिकल इंडियन म्यूजिक है जो कि मिक्स्ड राग पे बेस्ड है। इसका जो नेचर होता है यानी मेन, इसका जो मेन सब्जेक्ट होता है या तो डिमोशनल होता है, या तो भक्ति भाव से भरा होता है, या फिर रोमांटिक होता है। और चूंकि ये जो ठुमरी जो शैली है ये आपके भक्ति मूवमेंट से यानी भक्ति आंदोलन से काफी ज्यादा प्रेरित, और काफी ज्यादा प्रेरित होने के कारण इसमें ज्यादातर जो गाने लिखे जाते हैं ठुमरी के लिए उसमें जो टेक्स्ट होता है ना वो बेसिकली रिवॉल्व करता है एक लड़की के प्यार, मतलब कृष्णा के प्रति उसके प्यार की तरफ ही रिवॉल्व करता है। यानी जो भी आपको कंटेक्स्ट देखने को मिलेगा वो इसी से रिवॉल्व करेगा, एक लड़की के प्यार को दिखाता है कृष्ण के प्रति, चूंकि कृष्ण वगैरह से रिलेटेड है और भक्ति मूवमेंट से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो ज्यादातर जो कॉम्पोजिशन आपको देखने को मिलेंगे तो उसकी भाषा ब्रजभाषा होगी, अवधी बोली होगी या फिर हिंदी होगी। इसी तीन भाषा में ठुमरी के जो गीत है वो लिखे जाते हैं। और यूजुअली ये जो गाना है इसमें जो गाने गाए जाते हैं वो आपकी एक महिला की आवाज में गाए जाते हैं, बाकी सारे में महिला पुरुष दोनों गा सकते हैं या किसी किसी में पुरुष, लेकिन जो ठुमरी है वो ज्यादातर महिलाएं गाती हैं या महिला की आवाज में गाया जाता है। और परफॉर्मेंस के दौरान इसके जो गायक होते हैं जो ठुमरी शैली में गाते हैं उन्हें काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी का मौका मिलता है और काफी ज्यादा लचीलापन होता है, वो आराम से चीजें बदल सकते हैं।
अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब ठुमरी भी दो प्रकार की होती है, एक हम लोग कहते हैं पूर्वी ठुमरी और दूसरी है आपकी पंजाबी ठुमरी। तो जो पूर्वी ठुमरी होती है उसका टेम्पो स्लो होता है, मैंने आपको बता दिया। स्लो टेम्पो का मतलब कि जब आपके बीट के बीच का जो गैप होता है, जो टाइम होता है, वो आपका कम होता है तो हम लोग कहते हैं कि वो आपका फास्ट है, और जब यही टाइम अगर आपका ज्यादा होता है तो हम लोग उसे कहते हैं कि उसका टेम्पो स्लो है। तो पूर्वी ठुमरी स्लो टेम्पो, फास्ट टेम्पो किसका होता है तो पंजाबी ठुमरी का होता है। जो मेन घराने आपको देखने को मिलते हैं ठुमरी में वो है आपका लखनऊ घराना और बनारस घराना। और इसकी एक बहुत ही फेमस अगर हम लोग आर्टिस्ट की बात करें तो वो है बेगम अख्तर, और वो अपनी हक्स की वॉइस के कारण और उनकी जो रेंज है उसके कारण शी इज वेरी पॉपुलर। ठुमरी के बाद अब हम लोग बात करेंगे टप्पा की। तो इसमें किस चीज के ऊपर फोकस दिया जाता है, किस चीज के ऊपर इंपॉर्टेंस दिया जाता है? इसमें इंपॉर्टेंस दिया जाता है रिदम के ऊपर, क्योंकि इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो बहुत ही ज्यादा सबटल, बहुत ही ज्यादा फास्ट और बहुत ही ज्यादा नॉटी होता है। नॉटी कहने का मतलब कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही तीव्र आपकी इसमें चीजें होती हैं, इसीलिए रिदम का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसकी अगर उत्पत्ति के बारे में हम लोग बात करें कि आखिर कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, तो आपके जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो लोग हैं तो वहाँ का जो फोक सॉन्ग है वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। और ये जो लोग बेसिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे राजस्थान वगैरह पड़ता है, वहाँ पे रेगिस्तान है जहाँ पे कैमल एक सवारी के तौर पर इस्तेमाल, तो ज़्यादातर जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो लोग हैं वो आपके कैमल राइडर्स हैं, और वहीं से वो लोग जो फोक वहाँ का जो फोक सॉन्ग था यानी वहाँ का जो लोकगीत था उसी से इसका ओरिजिन देखने को मिलता है। इसे मोहम्मद शाह के संरक्षण में उनके पैट्रोनेज में इस स्टाइल को सेमी क्लासिक स्टेटस मिला है, ठीक है। और अगर हम लोग वर्तमान स्टेटस की अगर इसकी बात करें तो ये स्टाइल लगभग खत्म होने पे है। क्यों? क्योंकि कोई इसे प्रैक्टिस नहीं कर रहा। कोई भी चीज जीवंत तब तक रहती है जब तक वो लोगों के बीच में रहती है, एक बार वो चीज जब आना खत्म हो तो लोग उसके बारे में भूल जाते हैं। तो उसी प्रकार अब चूंकि इस गाने को बहुत कम लोग गाते हैं, न के बराबर लोग प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए धीरे धीरे ये जो स्टाइल है वो आपका खोता जा रहा है। इसके कुछ जो फ्यू इंपॉर्टेंट जो एक्सपाउंडर्स हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, जैसे आपकी शन्नो खुराना, पंडित लक्ष्मण राव ग्वालियर के, मियान शोधी, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपाउंडर हैं इस शैली के। अब हम लोग बात करते हैं तराना स्टाइल की, तराना शैली की। तो इसमें भी जो रिदम है उसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि जो इसमें मेलोडी होते हैं ना वो काफी छोटे होते हैं और कई बार चीजों को रिपीट किया जाता है इसमें, इसीलिए रिदम का इसमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और सिंगर्स को इस तरह से वो ट्रेन किया जाता है, उन्हें इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो इन रिदम्स को आसानी से मैनिपुलेट कर सके, आसानी से फेरबदल उसमें कर सके। और अगर वर्तमान समय की अगर हम लोग बात करें तो पंडित रतन मोहन शर्मा को दुनिया का सबसे तेज तराना गायक माना गया है। इनफैक्ट उन्हें हैदराबाद में तराना के बादशाह का टाइटल जो है उससे भी उन्हें नवाजा गया है। तो एक फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं तो तराना के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने बात की, अब हम लोग बात करते हैं धमर होड़ी शैली की। तो इसमें जो कॉम्पोजिशन होती है यानी इसकी जो रचनाएं होती हैं वो किस पे समर्पित होती हैं, तो ये समर्पित होती हैं लॉर्ड कृष्णा के प्रति। और इसीलिए चूंकि भगवान कृष्ण के ऊपर डेडिकेटेड है, इसीलिए इस शैली की का जो भाव होता है वो आपका डिवोशनल होता है, वो भक्ति परक होता है। जो यूजुअली ये जो सॉन्ग्स इस स्टाइल में गाए जाते हैं वो आपके इरोटिक होते हैं और जो होली फेस्टिवल है ना उससे संबंधित होते हैं। ये जो स्टाइल है वो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है और इसमें जो साइकिल है वो 14 बीट्स का होता है। धमर होरी शैली जो है वो आपके ध्रुपद शैली से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। डिफरेंस ये है कि ये जो है वो आपके ध्रुपद राग में भी इसको मतलब प्रैक्टिस किया जाता है, और इसके जो आर्टिस्ट है उन्हें अपने कॉम्पोजिशंस को इम्प्रूव करने की पूरी फ्रीडम दी जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे धमर होरी शैली के। अब हम लोग बात करते हैं गजल की। तो गजल आप सभी ने कभी ना कभी सुन रखा होगा। तो गजल क्या होता है, तो ये एक आपका पोएटिक कॉम्पोजिशन होता है विद राइमिंग कपलेट्स। तो हम लोग बचपन में पोएम से याद करते थे, तो उससे हम लोग जानते थे कि सोता खोता, तो आपको मतलब एक रिदम मतलब कपलेट्स देखने को मिल रहा है ना, राइम कर रहा है। तो उसी तरह से एक पोएटिक कॉम्पोजिशन होता है जिसमें आपको राइमिंग कपलेट्स देखने को मिलते हैं। और कभी भी दर्द में, प्यार या फिर खुशी में, या कभी भी लॉस पेन में भी जो लव के एक्सप्रेशंस को इसमें दिखाया जाता है, या तो जनरली जो फुल फोकस होता है ना उसमें प्यार के ऊपर ही होता है। नो मैटर चीज़ें बिगड़ गई हों, सैड है, पेन है, किसी भी तरह के इस तरह के एक्सप्रेशन जनरली आपको गजल में देखने को मिलते हैं। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये ओरिजिनेट किया है 12th सेंचुरी में ईरान में,
और जो गजल्स है वो पूरे साउथ एशिया में फैलाया गया किसके द्वारा, तो सूफी संतों के द्वारा। भारत में अगर हम लोग बात करें तो इस स्टाइल का सर्वोत्तम पीरियड जो था, ये जिस समय ये स्टाइल अपने पीक पे था, वो था आपका मुगल पीरियड। और जो इसके सबसे पहले एक्सपाउंडर थे जिन्होंने गजल को मतलब पॉपुलराइज किया, वो आपके आमिर खुसरो। जो गजल होता है मतलब अपने स्टाइल में काफी स्पेसिफिक होता है और यह आपके अनकंडीशनल और सुपीरियर लव का जिक्र होता है इसमें, यानी एक ऐसे प्यार का जिक्र होता है, एक ऐसे प्रेम का जिक्र होता है जो बिना शर्त का होता है। ये नहीं कि अगर ये चीज होगा तभी हम प्यार करेंगे, ये चीज नहीं होगा तो नहीं करेंगे, नहीं। जिस प्यार का जिक्र इसमें किया गया है वो आपका सर्वोच्च होता है, बिना किसी कंडीशन के होता है। लेकिन गजल को समझने के लिए जो नॉलेज चाहिए होती है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ अपर क्लासेस में ही अवेलेबल होती है। गजल्स को समझ पाना बहुत आसान नहीं होता और इसीलिए जो लोअर क्लास के लोग होते हैं जिनके पास उतनी ज्यादा एजुकेशन नहीं होती, उनके पहुंच से हमेशा ये लगभग बाहर रहे हैं। और ताकि ये लार्जर ऑडियंस तक पहुंचे, क्योंकि सिर्फ आपके अपर क्लास तक रहेगा तो ये बहुत ही छोटे से ऑडियंस को वो कवर कर पाएगा, लेकिन आपके लार्जर ऑडियंस तक पहुंचे इसीलिए समय के हिसाब से गजल के लिरिक्स में काफी ज्यादा फेरबदल किए गए हैं, ताकि आपके जो अपर क्लास और लोअर क्लास दोनों को ही ये टच कर सके, दोनों ही इसका लुत्फ उठा सके। आगे देखते हैं तो, और आपको जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो गजल्स हैं उसमें आपको इस्लामिक मिस्टिसिज्म यानी कि इस्लामी रहस्यवाद का आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई गई, इसमें आप देख सकते हैं कि गजल परफॉर्म कर रहे हैं जो आर्टिस्ट हैं वो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में, हम लोगों ने लय सुर ताल इन सब चीज़ों के बारे में बातें की। हिंदुस्तानी म्यूजिक के तहत जो इम्पोर्टेंट शैलियाँ हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की, जो समझाने की कोशिश की, वो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।